सल्तनते उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुंतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दां था, तो दूसरी जानिब यहूदी फलस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फहमो फरासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुकद्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेजों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। जर्मन तोपों के इस्तेमाल से आपकी रियासत हर महाज पर मजबूत हो जाएगी। बर्तानिया और रूस के बराबर ताकत हो जाएगी आपकी। अगर कमालुद्दीन पाशा से उनका ताल्लुक अभी भी कायम है या वो ऐसी कोई ख्वाहिश भी रखती हैं, तो आप हमें आकर बताएंगी फहीमे। हम तेल के ज़खायर हासिल करना चाहते हैं। ये काम आसान नहीं होगा। आपके लिए तोहफा है ये। खुद से ज्यादा मुझे शहजादे की मोहब्बत पर भरोसा है। सुल्तान मौज़म के बहनोई, आप जो चाहें इनसे हासिल कर सकते हैं। इस्तांबुल आने वाला जहाज जर्मन शाही तोपों के जरिए गर्क हो जाना चाहिए। मैं हार मानने वाली नहीं हूँ, रोक नहीं सकती आप मुझे। शहजादे से शादी होकर रहेगी मेरी। ये आपको कमालुद्दीन को देना होगा। शहजादी सादिया की साबिका मुलाजिमा फिरोजे से शादी करना चाहते हैं वो। मेरा ख्याल है कि इन्हें सरियर में ही नस्ब करना चाहिए। हुसैन पाशा दुरुस्त कह रहे हैं। विलहेम रेलवे से मुतालिक मुआहिदा कबूल नहीं करेगा जब तक उसे तेल के मंसूबे में कुछ हासिल ना हो जाए। असलहे के मुआहिदे का पता चला। सुना है कि बहुत बड़ा अस्करी मुआहिदा हुआ है। बिल्कुल सही सुना है तुमने, लेकिन क्या ये मालूम है तुम्हें कि वो जर्मन तोपें कहां नस्ब की जाएंगी? किसी ऐसी जगह जहां से दुश्मन को डराया जा सके, शायद चनाक किले की तरफ नस्ब किया जाए उनको। सरियर में मुंतकिल करने का काम शुरू किया जा चुका है। अब्दुल हमीद रूस को धमकी देने की कोशिश कर रहा है, हर सूरत उसे रोकना होगा। मुझे इजाजत दीजिए। सुल्ताना, क्या बात है फहीमे? बाजी की हालत ठीक नहीं है, उन पर गुस्सा मत कीजिएगा आप। मोहब्बत ने उनकी अकल पर पर्दा डाल दिया है। बिल्कुल, आप ये खत ले जाइए और जैसा कि आपकी बहन ने कहा है, ये खत कमालुद्दीन पाशा तक पहुंचा दीजिए। लेकिन आपने तो कहा था कि उन्हें रोकेंगी आप। आप परेशान मत हो, उन्हें रोकेंगे हम, लेकिन फिलहाल आप वही कीजिए जो आपकी बहन ने आपसे कहा है। कमालुद्दीन पाशा तक उनका ये पैगाम पहुंचा दें।
तो उन्हें इस बात की इतनी जल्दी खबर हो गई? रियासत के किसी भी हिस्से में खबर पहुंचने से पहले सिफारत खाने को पता चल जाता है। पाशा, किसी भी इंसान को गद्दार समझने से पहले यह देखना जरूरी है कि दुश्मन का कितना भरोसा है उस पर। हमारा हर दुश्मन हमारी सफों में छुपे गद्दार को इस्तेमाल करके ही हमला करता है। बुलाइए जरा सफीर अफंदी को। रूसी सफीर को भेजिए। मोहतरम सुल्तान, हमें एक बहुत अफसोसनाक खबर मिली है। उस्मानी हुकूमत ने अपनी तोपें सरियर की फसलों पर नस्ब की हैं। मजीद बात करके खुद को जहमत ना दें। ये उस्मानी रियासत है। आप जिन फसलों की बात कर रहे हैं वो हमारी मिल्कियत है। हम आपके मगलूब नहीं है कि आप आकर हमें ये बताएंगे कि तोपें कहाँ नस्ब करनी और कहाँ नहीं। आपकी इतनी जुर्रत कैसे हुई? खुद को आखिर समझते क्या है आप? हमारी कौम ने अपनी जान कुर्बान की है रियासत के लिए, लेकिन तुम इन बातों को क्या जानो? क्योंकि तुम्हारी कौम ने सिवाय जुल्म के और कुछ नहीं किया। अब एक लफ्ज भी मत निकालना अपनी जबान से। जाओ यहां से। सुल्तान मौसम, सख्ती कुछ ज्यादा नहीं हो गई? आपने तो उसे पूरी बात भी नहीं करने दी। पाशा, इन लोगों की साजिशें कभी खत्म नहीं होंगी। ये साजिशों को ही सियासत समझते हैं। इनकी हरकतों से हम तंग आ चुके हैं। हमारा दौर बहुत कठिन है पाशा। जो सल्तनत सुल्तान सलीम की थी या फिर जो सल्तनत सुल्तान सुलेमान खान ने छोड़ी थी, वो दौर इससे मुख्तलिफ था। काश कि हम भी उस दौर में होते। हमारे दिलो दिमाग में इस कदर इंतशार ना होता। फतह की शमें रोशन होती, हम मैदानी जंग में होते। भयानक ख्वाब देखने के बजाय फतह के ख्वाब देखते। काश के ऐसा हो सकता। काश मेरे सुल्तान, काश। पीटर्सबर्ग में हमारे सफीर से कहीं पाशा, रूस के बादशाह की तरफ से हमले के लिए होशियार रहे। रूसी सफीर को हम अगर मजीद बोलने देते तो वो हमें धमकियां देने लगता, लेकिन हमें फिर भी मुमकिन सूरतहाल से निमटने के लिए तैयार रहना चाहिए। जो आपका हुक्म मेरे सुल्तान। आ जाइए। हम माजरा चाहते हैं, आपको जहमत दे रहे हैं, लेकिन। वही मैं सुल्तान, क्या हुआ? क्या आपको शहजादी ने भेजा यहाँ? तबीयत तो ठीक है ना उनकी? दरअसल आपसे इजाजत तलब करने आए हैं हम। बाजी को खुले फिजा में ले जा सकते हैं अगर आपको एतराज ना हो तो। जी बिल्कुल, क्यों नहीं, बस वो ठीक हो जाए। बग्गी तैयार करवा दूं मैं? नहीं शुक्रिया, जब बाजी कहेंगी तब जाएंगे हम, अभी नहीं जा रहे। ठीक है, जैसा वो मुनासिब समझे। आ जाएं। ओ इज्जत पाशा। मुखिल तो नहीं हुआ मैं? बिल्कुल नहीं, बैठिए, तशरीफ रखिए। पाशा, मुझे आपसे एक खास मौजू पर गुफ्तगू करनी है। बिल्कुल, फरमाइए। जर्मन दोस्तों ने मुझे बहुत बड़ी रकम की पेशकश की है। वो रेल के मंसूबे में मदद चाहते हैं। तो क्या कहा आपने? माजरत कर ली मैंने और कहा कि मदद नहीं कर सकता। कमाल है, रिश्वत लेने वाले इज्जत पाशा ने नहीं किया कबूल। पाशा, ये मुनासिब नहीं। क्या मुनासिब नहीं, इज्जत पाशा अल्लाह के वास्ते बस कर जाए।
मैंने खुद बाग में आपको रिश्वत लेते हुए देखा है। तुलबा के लिए मदद है ये। आपने जो मदद ली उसके बाद तो उस्मानी सल्तनत में जैसे कोई अनपढ़ बाकी नहीं रहेगा पाशा। वो सिर्फ एक बच्चा है जिसकी मदद करते हैं और इतनी बड़ी रकम लेते हैं, जानता हूँ। पाशा बस करें अल्लाह के वास्ते। छोड़ी इज्जत पाशा अल्लाह के वास्ते। मैं आपके पास मशवरे के लिए आया था और आप। अच्छा चले छोड़े, जो भी हुआ बताएं क्या काम है। वो बहुत बड़ी रकम की पेशकश कर रहे हैं। वैसे उन्होंने कितनी बड़ी पेशकश की है? 5 लाख। किसने कहा आपसे? जर्मन शहंशाह के करीबी अफसर ने कहा है। वही बाव वाले ने? पूरे 5 लाख काफी बड़ी रकम है। ऐसी पेशकश से इंसान के लिए अपनी इज्जत बचाना नामुमकिन हो जाता है। अल्लाह रहम फरमाए। पाशा इजाजत हो तो दस्तावेज जमा करा दूं मैं। इतनी ताखीर क्यों हो गई आपको? कमालुद्दीन पाशा दफ्तर में नहीं थे। खत दिया आपने उन्हें? देखिए फहीमे, हमें सच सच बताइए। दे दिया है बाजी, परेशान मत हो आप। हमारी प्यारी बहन, शुक्र है अल्लाह का कि उसने हमें आप जैसी बहन अता की। पूरे 5 लाख बहुत बड़ी रकम है, वल्लाही बहुत बड़ी रकम है। आ जाएं। ओ सबहद्दीन, आ जाओ आ जाओ। बाबा बैठो। बादशाह एक नया लश्कर बना रहे हैं। तो क्या करना है, तुम भी सिपाही बनोगे? नहीं, मुझे लश्कर की कयादत करनी है। ओ सबहद्दीन, कितनी बकवास करते हो तुम। लश्कर और निजाम से तुम्हारा क्या लेना देना? बाबा अब्दुल हमीद ताकतवर होता जा रहा है, अब जर्मनी की मदद से अस्करी काबिलियत में भी इजाफा हो जाएगा। हमें कुछ करना होगा, या उन्हें रोकें या फिर अपनी ताकत बढ़ाएं। छोड़ो बेटा इन लश्कर वगैरह की बातों को, तुम्हें क्या फायदा होगा इससे। सबहद्दीन, मुझे बहुत बड़ी पेशकश हुई है, पूरे 5 लाख, लेकिन बगैर किसी वजह के नहीं। उन्होंने मुझसे कुछ तलब किया है। बहुत बड़ी रकम है। बहुत बड़ी रकम है बेटा, क्या करूं। आप जहनी तौर पर तो कबूल कर चुके हैं, मेरी माँ ने तो उन्हें भी हाँ कह दीजिए। इस तरह खुद को मत थकाएं। तुम्हारी राय यह है, अल्लाह ही जाने क्या होगा। अली जनाब। कहो। इज्जत पाशा से बात हुई है मेरी, वो मदद के लिए तैयार हैं। महमूद पाशा से मालूमात हासिल करेंगे। उसे हमने दोस्त कहा है, मगर वो हमें तकलीफ दे रहा है। लेकिन एक शहंशाह की हैसियत से हम मजबूर हैं, क्योंकि हमारी कौम सबसे मुकद्दम है हमारे लिए। सुल्तान अब्दुल हमीद से
हमें जो भी मुआहदे करने हैं उसमें मोहतात रहने की जरूरत है। अली जनाब, जब महमूद पाशा अपना काम कर लेगा तो हम मंसूबा बना लेंगे। आ जाए। अल्लाह उम्र दराज फरमाए, अल्लाह उम्र दराज फरमाए, अल्लाह उम्र दराज फरमाए। आइए पाशा। सुल्तान मुअज्जम, वो मुआहिदा जो हम जर्मनों के साथ करेंगे, चाहता हूँ कि उसके एक एक लफ्ज से वाकिफ हो जाऊं मैं। यानी कौन कौन से खित्तों में जर्मनी को काम में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इजाजत दे सुल्तान मुअज्जम। यानी मेरे सुल्तान, अगर मैं इस मामले की एक एक बारीकी को तफसील से जान जाऊं तो ये फायदा होगा कि गलती से बचा रहूंगा। इस मामले में मोहतात रहना चाहता हूं मैं। यह है वो जगह, लेकिन इस जगह जोग्राफियाई मुश्किलात उनके लिए रुकावट बनेंगी, और इस इलाके में मखलूत आबादी है, इसलिए मुश्किलात यहां भी हो सकती हैं। ठीक है, जब उन्हें यहां काम करना मुमकिन नजर आएगा तो उन्हें यहां एक सुरंग खोदने की जरूरत पेश आएगी, लेकिन यहां सुरंग बनाने के लिए 5 माह का अरसा लगेगा। अच्छी तरह समझ लें पाशा, अच्छी तरह समझ लें। अगर जर्मनी को इन मुश्किलात के बारे में मालूम हुआ। हरगिज नहीं मेरे सुल्तान, हरगिज नहीं, बिल्कुल नहीं। जब मैंने वादा कर लिया तो फिर बिल्कुल नहीं। शुक्रिया मेरे सुल्तान, जो चाहिए था मिल गया मुझे। आपकी इजाजत है। अल्लाह उम्र दराज फरमाए, अल्लाह उम्र दराज फरमाए, अल्लाह उम्र दराज फरमाए। देखते हैं कमालुद्दीन पाशा आते हैं या नहीं। आ जाओ। पाशा, क्या बात है? रूस की जानिब से एक जहाज इस्तांबुल की तरफ आ रहा है। क्या इसकी इत्तला दी गई थी हमें? नहीं पाशा, कोई पेशगी इत्तला नहीं है। मालूम करो उसके यहां आने के मकासद क्या हैं। जैसे आपका हुक्म पाशा। ठीक है, जल्दी जाओ। मैंने तोपों की तंसीब आपकी ख्वाहिश के मुताबिक करवा दी है। अभी बहुत कुछ होना है पाशा। पहले उस्मानी रियासत को हासिल होने वाली तोपों की आजमाइश हो जाए। अब्दुल हमीद की जानिब से रूस को धमकी दी गई है। उसकी सोच बहुत बुलंद है। रूस का एक छोटा बहरी जहाज इस्तांबुल की जानिब आ रहा है। ये सफर उनका आखिरी सफर होगा पारवो साहब। हमारी सल्तनत उन पर हमला जरूर करेगी। मैं भी यही चाहता हूं, क्योंकि रूसी जहाज सरहद की खिलाफ वर्जी करता हुआ आएगा और उस्मानी रियासत तोपों की आजमाइश करेगी, और हम बेकसूर यहूदियों के जहाज को गर्क करने की खबर सारी दुनिया में फैला देंगे। इंतजार बेकार है खदीजा सुल्तान।
कमालुद्दीन पाशा नहीं आएंगे। रुकिए सुल्ताना। ज़ुल्फ़त, पता करो क्या बात कर रहे हैं, लेकिन ख्याल रहे वो आपको देख ना पाए। जैसा आपका हुक्म मेरी सुल्ताना। मेरी बात सुने, अपनी हरकतों से बाज आ जाए, आइंदा मुझे खत लिखने की कोशिश मत कीजिएगा। कमालुद्दीन इस तरह बात मत कीजिए, हमसे इतनी बेरहमी से पेश मत आइए। आप वहां मौजूद थी और आपने सुन लिया होगा कि मैं नाइमे सुल्तान से मोहब्बत करता हूं। वो महज एक दिखावा था। आप हमसे मोहब्बत करते हैं, नाइमे से नहीं। नहीं, आपकी आंखें बता रही हैं कि आप हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। मैं आपसे मोहब्बत नहीं करता, वो सब माजी का हिस्सा था। आपको भी एक शादीशुदा औरत की तरह पेश आना चाहिए। हम शादीशुदा नहीं हैं। हमने कभी वासफिया फंदी को कबूल नहीं किया। हमारी वो शादी सिर्फ एक फरियती से ज्यादा कुछ नहीं। कमालुद्दीन, हम अपनी मोहब्बत को कभी फरामोश नहीं कर सकते। बीदार सुल्तान और दीगर लोगों को खामोश करने के लिए शादी का ढोंग रचाया है हमने। वक्त आने पर तलाक ले लेंगे हम। हम तो बस आपसे, बस अब कुछ बाकी नहीं रहा खदीजा। और ये अल्फाज दोबारा इस्तेमाल मत कीजिएगा। अपने शौहर के पास जाएं, फजूल ख्वाब देखना छोड़ दें। अब मेरे लिए नाइमे सुल्तान ही सब कुछ है। कब तक झूठ कहेंगे खुद से? आइंदा मुझे खत लिखने की कोशिश मत कीजिएगा। कमालुद्दीन रुक जाइए, कमालुद्दीन। आ जाए। सुल्तान मुअज्जम, एक बहुत ही अहम खबर है। क्या हुआ है? एक रूसी जहाज बहरे अस्फत से हमारी हदूद में दाखिल हो रहा है। तो हमारा इम्तिहान लेना चाहते हैं ये रूसी? मेरे सुल्तान, बहुत से अफराद सवार हैं, उसपे हथियार भी हो सकते हैं। अगर वो मुसल्ला है तो क्या हुआ पाशा? मसला ये नहीं, बल्कि वो ये देखना चाहते हैं कि अगर वो हमारी हुदूद के खिलाफ वर्जी करेंगे तो हमारा रद्द अमल क्या होगा, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारी हुदूद हमारी नामूस है। मेरे सुल्तान, उनका मकसद क्या हो सकता है? वो ये देखना चाहते हैं कि हम सहराई तोपों का रुख उनकी जानिब करते हैं या नहीं। क्या हुक्म है मेरे सुल्तान? नजर रखें उन पर, अगर वो हुदूद के खिलाफ वर्जी करें तो जो करना है वो वाज़ह है, तबाह कर दें उसे। हमने अपनी सल्तनत की सरहदें दुश्मन के इस्तकबाल के लिए नहीं बनाई हैं, बल्कि उसे रोकने के लिए बनाई हैं। उनकी यह जुरत हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब्दुल हमीद और विलहम का मुश्तरका मंसूबा। अब्दुल हमीद ने तोहफे में मिली सहराई तोपों से बेगुनाह यहूदियों का कत्ल कर दिया। कोई और मंसूबा होना चाहिए, ऐसे तो यहूदी जरूर मरेंगे। हर मरने वाला यहूदी तो मैं अपने ख्वाब की ताबीर के
मजीद नजदीक कर देगा। मतलब जिन लोगों के लिए वतन हासिल करना चाहता हूं, उन लोगों को ही मरना होगा। मेरी सुल्ताना, खुशखबरी है आपके लिए। कमालुद्दीन पाशा नायम सुल्तान के साथ मुकम्मल पुरखलूस है। आपको यकीन है? अपने कानों से सुना है, पाशा ने खदीजा सुल्तान से कहा कि उन्हें आइंदा कोई खत ना लिखें। नायम सुल्तान से वो बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। तो ये बात थी। खदीजा सुल्तान बहुत गिड़गिड़ाई, लेकिन कमालुद्दीन पाशा ने अहमियत नहीं दी। अच्छी बात है, बहुत खूब। सुल्फत काल्फा, ये बात सिर्फ आपके और हमारे दरमियान रहनी चाहिए और किसी को पता ना चले। सुल्ताना, जैसा आप चाहेंगी वैसा ही होगा। खुश आमदीद फिरोजे। शहजादे, आपने बुलाया तो मैं आ गई, लेकिन क्या मेरा यहां आना मुनासिब है? बहुत डर लग रहा है मुझे। डरने की जरूरत नहीं, बाबा ने शादी की बात करने के लिए बुलाया है हमें। सुल्तान भी किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे मुझे। जानती हैं यहां क्यों बुलाया है आपको हमने? क्योंकि हमें हिम्मत देगी आपकी मौजूदगी। बाबा को बता देंगे कि हम शादी का फैसला कर चुके हैं। पायतख्त कैसा लगा आपको? बहुत खूबसूरत। जब आपको पसंद आया है तो एक और अच्छी चीज भी है जो आपको देता हूं मैं। ये लीजिए वो तफसीलात जो आपको चाहिए। जर्मन रियासत आपकी ये मुखलिसाना मदद हमेशा याद रखेगी। ये सब कहकर शर्मिंदा मत करें, रहने दीजिए। लेकिन एक बड़ी रकम का वादा किया गया था, उम्मीद है कि सही रकम बताई गई होगी मुझे। बिल्कुल पाशा, आपके घर के बाहर बगैर कोचवान के एक बग्गी मिलेगी। जब आप उसके अंदर देखेंगे तो आपको यकीनन बहुत खुशी होगी। चले इंशाल्लाह, उम्मीद है उसमें बम नहीं होगा। चलिए चलिए बाग में टहलते हैं। चलिए। तुम्हारी इतनी जुर्रत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? फिरोजे को हम लाए हैं वालिदा। तो ठीक है अब्दुल कादिर, यही सवाल हम आपसे कर लेते हैं, ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? फिरोजे वहीं होंगी जहाँ हम होंगे, हम बता चुके हैं आपको। बाबा ने बुलाया है हमें। बाबा ने आपसे शादी के बारे में बात करने के लिए बुलाया होगा। देखते हैं आप अपने बाबा के सामने भी ऐसे ही जवाब दे पाते हैं या नहीं। उन्हें पहले ही हमारे खिलाफ कर दिया होगा आपने, पूरी कोशिश की होगी कि वो हमारी बात ना माने। आप शायद अपने बाबा को बिल्कुल नहीं जानते फरजंद। आपके बाबा पहले सबकी बात सुनते हैं,
और उसके बाद ही अपना फैसला सुनाते हैं। तुम इस महल से कितनी बार निकाली जाओगी फिरोजे? अगली बार इतनी बेशर्मी से आने के काबिल नहीं रहोगी इंशाल्लाह। फिरोजे बाजी। शहजादी, बता नहीं सकती कितना याद किया मैंने आपको। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। फिरोजे बाजी, अब आप यहाँ से मत जाइएगा। इंशाल्लाह शहजादी, नहीं जाऊंगी इंशाल्लाह। आ जाए। आइए फरजंद। शायद इन मामलात पर बात करने के लिए ये वक्त बिल्कुल मुनासिब नहीं है, क्योंकि सल्तनत के अहम तरीन उमूर हमारे पेश नजर हैं। लेकिन हम एक बाप भी हैं। आपकी वालिदा की बातों से जो हम समझे हैं, उससे मुतालिक हमने बात करने के लिए बुलाया है यहाँ आपको। वालिदा ने आपको सब बता दिया होगा। परेशानी की कोई बात नहीं सुल्तान मौसम। हम इंतजार में थे कि हमारे घर वाले हमारी शादी के लिए रसमंद हो जाएं। आपकी वालिदा को आपके इस फैसले पर कोई एतराज नहीं फरजंद, लेकिन फिरोजे से मुतालिक उनके कुछ तहफ्फुज़ात हैं। ये उनका ज़ाती ख्याल है मेरे सुल्तान। हमने इस मामले पर काफी गौर किया। हमें फिरोजे की मोहब्बत पर कोई शक नहीं। हमें लगता है कि हम उनके साथ बहुत खुश रहेंगे सुल्तान मौसम। यह आपके वक्ती जज्बात भी हो सकते हैं फरजंद। इस दवाज का मामला बहुत अहम होता है। जिंदगी में पहली बार किसी फैसले पर इतने पुरएतमाद हैं हम। हमने हमेशा खुद को साबित करने की कोशिश की है, लेकिन जब भी हमने कुछ करने की कोशिश की हमेशा नाकाम ही हुए हैं। जब आप ही की नजर में हमारी कोई अहमियत नहीं, तो किसी की नजर में भी नहीं। बस एक फिरोजे नहीं कदर की है हमारी, उन्हें हम पर यकीन है। उनके साथ ने हमें बहुत मजबूत किया है। क्या शादी के लिए ये सब काफी नहीं मेरे सुल्तान? तो आपको इस बात का यकीन है कि वो आपके साथ मुखलिस हैं, लेकिन आपसे शादी होने के बाद वो भी शाही खानदान का हिस्सा बन जाएंगी। एक बात नहीं जानते आप मेरे सुल्तान, हमारी जान बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान खतरे में डाल दी थी। एक शख्स से झगड़ा हुआ था, उसने छुरी से वार किया हम पर। हमारी जान बचाने के लिए फिरोजे सामने आ गई, वरना हम जिंदा ना होते आज। तहसीन पाशा, सुल्तान की इस परेशानी की वजह हम समझते हैं, लेकिन जब तक मुआहदे पर दस्तखत ना हो जाएं, तमाम लोगों को यही रोकना चाहिए। इस बार रेल का मुआहदा तय हो जाएगा पाशा, और तुर्कों के फायदे के साथ मुकम्मल होगा। दुनिया के तमाम मुसलमान इससे फायदा उठा सकेंगे। हम जो कई साल पीछे रह गए हैं, इस मंसूबे के साथ ही बराबर हो जाएंगे। सुल्तान अब्दुल हमीद खान तशरीफ ला रहे हैं। ज़हमत ना करें, बैठे रहिए। क्या सूरत हाल है? मुआहदे की शिकें तहरीर की जा रही है मेरे सुल्तान। कौन तहरीर कर रहा है ये मुआहदा? ये नौजवान। आइए फरजंद, हमेशा कामयाब रहो। शुक्रिया सुल्तान मौसम। आप हमें सफात ला कर दीजिए, ये मुआहदा हम खुद तहरीर करेंगे। जैसे आपका हुक्म मेरे सुल्तान। मेरे सुल्तान, रूसी जहाज हमारी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा। फिलहाल हदूद से बाहर है, लेकिन तेजी से करीब आ रहा है। हमने रुकावटें खड़ी कर दी हैं, उसे दाखिल नहीं होने देंगे। क्या हमारी तोपें हदूद की हिफाजत के लिए काफी हैं? जी मेरे सुल्तान, हम उन्हें मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो फिर
दुश्मन के जहाजों की राह से रुकावटें हटा लें। सिर्फ तम भी कर दें। अगर फिर भी हुदूद के खिलाफ वर्जी करें तो हमारे हुक्म का इंतजार करें। तहसीन पाशा, मुआहदे के लिए जरूरी इंतजाम करवाए जाएं। जैसा आपका हुक्म मेरे सुल्तान। फिरोजेबाजी, देखिए हमने वैसा ही खरगोश बनाया जैसा आपने बनाया था। बहुत खूबसूरत है शहजादी, अगर यहाँ से ऐसे बनाती तो ज्यादा खूबसूरत लगता। सही कहा, हम ये दोबारा बनाते हैं। तुमने एस्टर को ये लिबास फरोख्त करने के लिए बहुत मुश्किल से राजी किया होगा, क्योंकि ये लिबास हमने अपने लिए बनवाया था। ओ अच्छा, इसलिए वो ये लिबास फरोख्त करने के लिए राजी नहीं थी। वो तो जब शहजादे को उन्होंने मेरे साथ देखा तो इनकार नहीं कर सकी। सुल्तान मुअज्जम इस शादी की इजाजत कभी नहीं देंगे। इस महल में ये तुम्हारा आखिरी दिन होगा फिरोजे। सुल्तान मुअज्जम ने यकीनन ये मसला हल कर दिया होगा। हमेशा की तरह बाबा ने ये मसला भी हल कर दिया है वालिदा। हमारी शादी के लिए बाबा राजी हो गए। राजी हो गए? उन्होंने कहा कि पहली बार इतना पुर एतमाद देख रहे हैं हमें वो, और कहा कि आपके लिए शादी मुफीद रहेगी। बाजी मत रोए, संभाले खुद को, ऐसे तो बीमार हो जाएंगी आप। अब हम जीना नहीं चाहते फहीम, मर जाना चाहते हैं। शहजादी, कुछ देर तन्हा रहना चाहते हैं हम, लेकिन हम अपने साथ चलने की दरखास्त करते हैं। यकीन करें आप बहुत खुश होंगी। आप भी हमारे साथ चलें फहीमे सुल्तान। चलिए उठिए शहजादी। कहाँ ले जाना चाहते हैं आप हमें? सब्र से काम लें शहजादी, मैं चाहता हूं कि आप अपनी आंखों से देखें। चलिए आइए मेरे साथ। कुछ तलाश कर रही हो क्या? स्याही खत्म हो गई है, वही तलाश कर रही हूँ। ये रही। हाँ बहुत शुक्रिया। ऐ परवरदिगार, ऐ यहूदा, मैं तेरे कामों की तारीफ कई जमानों तक करता रहूंगा। तेरे खलास को मेरा दिल कबूल कर लेगा। जमीन आपकी है और आसमान भी, अपने चुने हुए बंदों की मदद फरमा। आमीन। क्या हो रहा है?
दुआ कर रहा था उन यहूदियों के लिए जो मौत के मुंह में है। कौन से यहूदी? वही जिन पर रूस में जुल्म हुआ था। अब वो रूसी जहाज में इस्तांबुल आ रहे हैं। ये जगह उन लोगों के लिए पुरअमन है। पारवुस ने मंसूबा बनाया है। अब्दुल हमीद जहाज को गर्क कर देगा। मतलब ये कि उन पर दोबारा जुल्म होने वाला है। नहीं, अब्दुल हमीद ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। उन्हें लगता है कि वो एक जंगी जहाज है। तो यानी वो सब मारे जाएंगे? कारसू, इसलिए तो परेशान हूं मैं। मगर कोई रास्ता नहीं है। विलहम ने भी जवाब दे दिया है। अब्दुल हमीद से हम अपनी जमीन नहीं ले सकते कारसू। आइए शहजादी। कैसा लगा? अपना घर पसंद आया? आपने जब ये कहा कि आपको महल में रहना पसंद नहीं, तो ये छोटा सा घर बनवा लिया मैंने आपके लिए। बेदार सुल्तान ने मदद की हमारी। अगर वो मदद ना करती तो मेरे लिए ये मुमकिन नहीं था। कुछ सामान कम है इसमें, लेकिन आप फिक्र मत करें, वो भी बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। जब ये मुकम्मल हो जाएगा तब आ जाएंगे। अभी महल चलते हैं। मेरा ये मतलब बिल्कुल नहीं था शहजादी। इसमें ऐसी कोई कमी नहीं कि आपको महल जाना पड़े। लेकिन उससे पहले जरूरत का सामान समेटना होगा हमें। बेदार सुल्तान आजी सारा सामान समेट कर भेज देंगी। बेफिक्र हो जाए। शहजादी, कैसा लगा आपको अपना यह नया घर? अपने घर में खुशामदीद शहजादी। बहुत खूबसूरत है ना बाजी? आप दोनों आराम करें, मैं बाजार से खरीदारी करके आता हूं। शाम को मुलाकात होगी आपसे। इजाजत दीजिए। आप ठीक तो हैं? इन्होंने कहा हमारा घर, लेकिन हम इनके साथ नहीं रह सकते। हम इनके साथ नहीं रहना चाहते फहीमे। ये मुमकिन नहीं है। हम नहीं रहना चाहते। खुद को संभालिए बाजी, रोए मत, खामोश हो जाए, बस करें। सबातीन, मेरी हालत तो देखो जरा। उस बग्घी में सवार हूँ जो दौलत से भरी हुई है। अंदाजा यह है कि वो सल्तनत के लिए नुकसानदेह साबित होगा, लिहाजा समंदरी हुदूद पार करते ही सुल्तान के हुक्म के मुताबिक उसे गर्क कर दिया जाए। तुम्हें हमारे सुल्तान के सामने गवाही देनी होगी। मैं जरूर दूंगा गवाही। मैं चश्मदीद गवाह हूँ। महमूद पाशा ने सारी रकम समेट ली। विलहम जानता है कि वो अपनी रियासत को बगैर किसी मजबूत इत्तेहाद के नुमाया मकाम नहीं दे सकता। उसने बरतानवी इदारों से भी कई मुआहदे कर रखे हैं।